मॉड्यूल क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका एसएसटी में हिस्ट्री लेसन 7 है द रिवर्ट ऑफ 1857। तो आज मान लो आपके इस लेसन को एक्सप्लेन करेंगे कि इस लेसन में है क्या द रिवर्ट ऑफ 1857 वाज द रिजल्ट ऑफ द कॉलोनिकेशन ऑफ पॉपुलर डिस्कनेक्टेड दैट हैड बीन एक्युमुलेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अगेंस्ट द पॉलिटिकल पॉलिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 100 ईयर्स फ्रॉम 1757 till 1857 there was extension of political power and economic expansion it created the distrust both among of Indian elite and a message which resulted in several local resurging furor to the revolt विद्रोह लोक लुभावन के प्रकाश का परिणाम था जो एक लंबे समय यानी कि एक लंबे टाइम तक भारत में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ की गई थी। अवधि के दौरान 1757 से 1857 तक 100 साल राजनीतिक ताकत और आर्थिक का विस्तार था। शोषण इसने भारत में अभिजात्य वर्ग और जनता के बीच असंतोषजनक अविश्वास पैदा किया जिसके परिणाम स्वरूप विरोध का पहले कई स्थानीय उदय हुए। सोर्स सम ऑफ द सोर्स द प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंक्लूड डायरीज रिटन By the East India Company, civil officials like Research Henry Silford and book written by the British Army official like William Stampen. 1857 के विद्रोह के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के कुछ स्रोत हैं। स्रोत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी जाने वाली डायरी शामिल है जैसे रिसर्च हेनरी किलफेड और वे ब्रिटिश सेना के अधिकारियों द्वारा लिखित पुस्तकें जैसे विलियम स्टेफन रायत एस सोल्जर के जीवन में 12 वर्ष 1857 का भारत और द इंडियन म्यूटिनी कर्नल जी बी मॉलसेन द्वारा लिखित लखनऊ सादिक उल अकबर और दिल्ली उर्दू अकबर जैसे तत्मेल में उर्दू अखबार जो 19वीं सदी के अर्धधार्थ में प्रकाशित और प्रसारित होने लगे थे इतिहासकारों को 1857 के इतिहास को फिर से बनाने में मदद करते हैं जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ दुश्मनी में बढ़ती लहर में हुआ था। 1857 के सभी विद्रोह में सबसे शक्तिशाली जिसने ब्रिटिश के शासन की नींव को हिला दिया। विद्रोह राजनीतिक फिर क्या है आपका केसेस ऑफ द रिवोल्ट यानी कि विद्रोह राजनीति के कारण पॉलिटिकल केसेस यानी कि राजनीतिक कारण जो थे जो उनके केसेस थे। विद्रोह राजनीतिक कारणों के कारण सहायक गठबंधन की ब्रिटिश नीतियों और चूक के सिद्धांतों ने देसी राजा और राजकुमारों को मात्र अधीनस्थों तक कम कर दिया। सातरा झांसी जबलपुर नागपुर और अवध जैसे बड़ी संख्या में देसी शासकों और चिटफंडों को उनके राज्यों के साथ अन्य पूर्ण तरीके से बनाया गया था। इसने विस्थापित शासन वर्ग के बीच ब्रिटिश शासन के प्रति कूटता पैदा कर दी। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को पेंशन और उपाधि देने की नीति को बंद कर दिया जिससे व्यापक संगठन और असंतोष फैल गया था। उदाहरण के लिए बराव के दातक पुत्र नाना साहेब पेंशन से वंचित थे। आर्थिक कारण कंपनी द्वारा शुरू की गई भूमि राजस्व बस्तियां उच्च करों की मांग की यह समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करता है। उच्च राजस्व मांगों और संग्रह नीतियों के सख्त प्रतिशोध के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। फिर है आपका फिर हम पढ़ेंगे आपका ये लास्ट है केस स्टडी रिवॉल्ट एट अवध यानी कि जो अवध है उसके केस पढ़ेंगे। अवध इट्स कैपिटल बीइंग लखनऊ डिवाइडेड द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 8 months। जो अवध है जिसकी राजधानी क्या है लखनऊ है 8 महीने तक विद्रोह का केंद्र बना रहा। यहाँ पे क्या हुआ विद्रोह 8 महीने
Their missiles had extension Awadh, which again the spoils. जैसे ही हम पहले पढ़ चुके हैं कि डलहौजी में अवध को तहस नहस कर दिया था, जिसने सिपाहियों को नाराज कर दिया था। नवाब के शासन के अंत के साथ उनका महल बर्बाद हो गया, आभूषणों की नीलामी हुई और शाही परिवार को गरीब में बदल दिया गया। बेगम हजरत महल ने सिपाहियों, किसानों, तालुकदारों और अवध के प्रमुखों के सहयोग में विद्रोह का बहादुरी से नेतृत्व किया। ब्रिटिश सेना महिलाओं और बच्चों ने गोमती नदी के तट पर रेजिडेंसी बिल्डिंग में शरण ली। सिपाहियों द्वारा घेराबंदी 8 महीने तक चली। घेराबंदी के दौरान बच्चे बीमार पड़ गए, किसी को जैसे बीमारी, काफी बीमारी वहां पे लग गई थी। 8 महीने वहां पे जब युद्ध हुआ था, यानी कि जब वहां पे विद्रोह चलता रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, जब उनको जब बंदी बना लिया गया था, तो उनको क्या हो गया, कई बच्चे बीमार पड़ने लगे, किसी को हैजा होने लग गया, अनेक तरीके की बच्चों को वहां पे बीमारी, अलग अलग बीमारी का सामना करना पड़ा। तीव्र भोजन की कमी बनी रही। लखनऊ में कई बिल्डिंग बीमारियों के कारण मारे गए। हालांकि वह अंग्रेजों को बाहर फेंकने में असफल रहे, यानी कि वहां पे बहुत कुछ हो गया था, लेकिन वो लोग अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाल पाए थे। तो ये है आपका केस स्टडी रिवॉल्ट एंड अवध। तो सभी बच्चे एक बार इस तरह की रीडिंग कर लेंगे। थैंक यू।